हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और मेरे पीछे का नज़ारा, ये सुबह से मेरे गांव का है। बीच है ना, हम जाने वाले हैं यहाँ से पिंडर घाटी की तरफ, पिंडर ग्लेशियर की तरफ, मतलब खाती गांव हो गया और लाडू देवता मंदिर। तो दिखाते हैं हम आज का सफ़र आपको। और हम जो है ना सोमेश्वर गरुण बागेश्वर होते हुए निकलेंगे ग्वालदम। तो वीडियो को जो है ना बनने रहे वीडियो। मैं निकल पड़ा अपने गांव से और मेरे सामने गांव के वाकिली, और यहां से हम नीचे को जाएंगे रोड पे। दोस्त लोग आ चुके हैं रोड पे। ये है जीतन बिरबल का स्कूल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बतरसखान चौराह पे और हम सीधे हो चुके हैं कनेक्ट रानीखेत वाली रोड पे। और हम जो है ना तीन लोग हैं अपने अपनी बाइक पर। आगे चल रहे पांडे जी, बीच में चल रहा है काका और पीछे सबसे लास्ट में। ये सामने का चौराहा देख रहे हैं मेरे सामने जो है, ये है रिची। और यहाँ से हम जाएंगे सीधा आगे रानीखेत। और ये सामने हमने मनुदा की दुकान है, जब हमने बीच आई ये तिराया देख रहे हैं मेरे इस साइड को, पिंसर वहाँ देखो जाएगा। और ये सीधे रानीखेत को मेरे सामने का मार्केट देख रहे हैं। ये जो है तारीखेत है और ये जो है रानीखेत की तहसील है अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट की वजह से। और ये माँ कालिका का मंदिर है, गोल जी का भी है यहीं पर, जय माता दी। ये चौराहा देख रहे हैं इधर से, ये जो है ना हल्द्वानी से आता है और ये सीधा आगे रानीखेत को जाएगा। और ये जो जगह है ना कन्या धूली है, और यहाँ से रानीखेत जो है 7 से 8 किलोमीटर और बचा है। मैं कर चुका हूँ रानीखेत में एंटर और इसके बाद थोड़ी देर में मेन बाजार आ जाएगा। मेरे सामने जगह देख रहे हैं, ये चौराहा जो है गांधी पार्क है। और यहाँ से नीचे आके मेन मार्केट भी आ गई, अब शुरू हो चुकी है। रानीखेत जो है ना कुमाऊँ का एक हिल स्टेशन है और ये जो है ना कुमाऊँ रेजिमेंट के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि कुमाऊँ रेजिमेंट का जो है ना सेंटर भी यही है। और मेरे सामने जो है ना ये रोडवे स्टेशन है, डिपो है रानीखेत। और इसके बाद ना थोड़ी देर बाद के आरसी आएगा, कुमाऊँ रेजिमेंट का सेंटर, जगह आप देख के पहचान ही गए होंगे कौन सी जगह है। और ये देखिए इस साइड में वार मेमोरियल के, मतलब जो शहीद हुए उनके नाम वगैरह हैं इस साइड को। और ये सामने जो है ना इतना बड़ा जो लाल गेट दिख रहा, ये मेन गेट है। और यहाँ जो होता है ना हर युवक का एक जाने का सपना होता है कि एक दिन मैं भी फौज में जाऊँ। और ये देखिए वो पीछे ना बैक गेट है सामने वाला। और ये जो है ना कुमाऊँ रेजिमेंट, यहाँ 1945 में ट्रांसफ़र हुआ था आगरा से इधर। और ये अपने जवान देख रहे हैं, ये घिंगारी खाल है। और जो नीचे को जाएगा ना, ये केदारनाथ बद्रीनाथ आप गढ़वाल को जा सकते हैं, और हम जाएंगे सीधे ऐसे आगे को, क्योंकि हमने जाना है कौसानी होते हुए। और यहाँ से कौसानी जो है 57 किलोमीटर है और अल्मोड़ा आपका 40 किलोमीटर। मेरे सामने टेंपल देख रहे हैं, ये जो है बुबू धाम है। ये देखिए कितनी प्यारी जगह है एकदम, बुबू धाम कालीगढ़। ये देखिए आओ राजा। हाँ मेरे सामने देख रहे हैं ये ककराड़ जगह है, और यहाँ से सोमेश्वर 3 से 4 किलोमीटर और बचा है हमारा। अभी हम जो है ना सोमेश्वर घाटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और मेरे सामने देखिए ये पूरा सोमेश्वर का मार्केट है। और एक दोस्त जो है हमारा आगे पहुँच चुका है पहले ही, तो अभी थोड़ा हम जल्दी जल्दी और काफ़ी फास्ट भी चल रहे हैं। और ये देखिए ये सोमेश्वर का मेन मार्केट है अभी। और इस सोमेश्वर साइड को ना अभी मेरी पहली राइड है आज बाइक से। वैसे पहले आया हूँ पर मैं इससे नहीं आया था, बाइक से मैंने कभी वो नहीं किया। और यहाँ पर शायद चेकिंग अभियान चल रहा है। देखिए थोड़ी कंजेस्टेड मार्केट है वैसे। और यहाँ से कौसानी जो है ना करीबन अभी 6-7 किलोमीटर और बचा है। ये देखिए बड़ी फेमस जगह है। और ये जो जगह है ना, अरे उसकी बाइक वाले की दुकान देख लेना, आ जाओ इसे ना मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
मेरे सामने दिख रहे हैं, ये पूरा गरुड़ का मार्केट है और इसके बाद बागेश्वर आएगा, लेकिन शायद हम बागेश्वर नहीं जाएंगे क्योंकि शायद उससे पहले ग्वालदम के लिए रूट कट जाता है और हम जाएंगे ग्वालदम होते हुए आगे को खाती गांव मतलब पिंडर ग्लेशियर साइड को जाएंगे हम। छोटा सा मार्केट है, लगभग लगभग 1 किलोमीटर का मार्केट है और यहाँ पर ये पुरानी पुस्तकालय दिख रही काफ़ी वो मतलब वुड का बना है और एक उनकी मार्केट है पूरी और शायद अब एंड भी होने वाला है मार्केट का। अभी जो है ना हमको यहाँ आने तक काफ़ी टाइम भी लग चुका है क्योंकि तो थोड़ा सा जो है हम रास्ता रूट थोड़ा गलत आ गए तो जिस वजह से हमको थोड़ा हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। देखिए और ये प्यारी सी गरुड़ की मार्केट, मार्केट में ना हमेशा सीधे सामने नज़र होनी चाहिए आपकी। ये नीचे की साइड को देख रहे हैं, ये बैजनाथ झील है और ये पूरा बैजनाथ का एरिया है। ये देखिए बड़ी शानदार जगह है भाई, मज़ा आ गया। और बैजनाथ जो है ना मैं पहली बार आ रहा हूँ इस साइड को। हम आ चुके हैं ना ग्वालदम वाले रूट हमने पकड़ लिया है और यहाँ से ग्वालदम जो है 28 किलोमीटर मतलब 28 किलोमीटर है और यहाँ से जो है ना रोड भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब शुरुआती तो अच्छी लग रही फिर और जगह भी काफ़ी अच्छी है और राइड करने का मज़ा भी अलग आ रहा है, एकदम शानदार रोड हो रही है। ऐसी रोड में राइड करने में भी मज़ा आता है, एकदम गाड़ी पूरा फेल के ही चलो एकदम जी, कोई कसर नहीं छोड़नी है करते गाड़ी, कंपटीशन होना चाहिए फिर तो। और अभी जो है ना हम घाघली से थोड़ा आगे निकल चुके हैं और अभी जो है स्कूल के बच्चे छूट रहे हैं स्कूल से ही और कितनी प्यारी रोड, एकदम मज़ा आ गया मतलब रोड और जगह को देख के तो आनंद आ रहा मतलब राइड करने में, एकदम कोई थकान महसूस नहीं हो रही है एकदम। ये देखिए हमारे सामने का पूरा टी गार्डन, वाह मज़ा आ गया मतलब। ये देख रो ये पूरा टी गार्डन है और इधर तो धोनी की फोटोग्राफी चल रही। ये देखिए और यहाँ से ग्वालदम जो है ना अभी 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है। हम गढ़वाल में एंटर कर चुके हैं, जोशी मठ यहाँ से 175, बद्रीनाथ 210, केदारनाथ 265 और गौरीकुंड 247 और ये जो है ना जिला चमोली स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए ये इतनी शानदार रोड है ना, मतलब ये चार धाम वाला रूट आ गया है और यहाँ से रूट ना काफ़ी अच्छा होने वाला है और यहाँ से हमारा लीन गेम भी शुरू हो जाता है बाइकों को। ये देखिए और आगे आगे पांडे जी चल रहे हैं, थोड़ा मैं पीछे आपको बोर्ड दिखाने में रह गया तो वो पांडे जी मौका पे चौका मारते हुए आगे निकल गए। काका भाई अभी हमारे पीछे रह गए, पता नहीं कितने पीछे हैं और हम सब रुकेंगे ग्वालदम पे। ये देखिए और ये रूट में ना अभी बाद में ये जो आपका खटीमा से आएगा वो वाला रूट मिलेगा इसमें और ये हम ये अभी पूरा गढ़वाल में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए गढ़वाल में पहले भी गया हूँ पर वहाँ से गए थे हम चौकुटिया माँ से ही गैरसैंण होते हुए गए थे, इधर का मेरा पहला अनुभव है आज और काफ़ी अच्छा भी है लग रहा है, अच्छी रोड है मतलब अब अच्छा लग रहा है गढ़वाल में प्रवेश करके। ये जगह जो है ना ग्वालदम से थोड़ा पीछे है 1 किलोमीटर और यहाँ से हम खाना खा के अब निकलते हैं आगे को। और ये जो है ना ग्वालदम का बाजार है छोरा, ये हमने पकड़ लिया पुलिस चौकी वाली रूट, अगर आपको नहीं देख पाएंगे तो चलो चलो आगे होगी। ये पुलिया ना मतलब रिवर देख रहा है, ये शायद अलकनंदा नदी है। ओ भाई अलकनंदा है ना, हाँ अलकनंदा ही है। और यहाँ से देवाल करीबन अभी हमारा बच्चा है 10 किलोमीटर के आसपास होगा और पुलिया पार करने के बाद अब लग चुकी है खड़ी चढ़ाई और इससे पहले था कर्रा डाउन एकदम। मेरे सामने देख रहे हैं ये पूरा देवाल का मार्केट है और यहाँ जो है ना रोड काफ़ी बहुत मतलब डेंजरस हो रही है, एकदम खतरनाक रिस्की रोड हो रही है। और ये जो है ना थरा मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है छोटा सा ब्लॉक तहसील और यहाँ से लड्डू देवता का टेंपल जो है ना अभी करीबन 49 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से करीबन ना हमको अभी 2-2.5 घंटा और लगने वाला है, काफ़ी समय लगने वाला है। और रोड देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है भाई रोड का, तो मेन मार्केट की रोड है इसमें गड्ढे ही गड्ढे। वो देखिए सामने जगह
पूरा जैसे सब एक ही के घर होंगे, एक ही साइड में एक ही कलर में। जब हम लोहानी गांव से आगे बढ़ते हैं ना, तो ये उसके बाद ये पुलिया पड़ता है और ये देख कितना शानदार नज़ारा, पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, मतलब जंगल ही जंगल है भाई, मज़ा आ रहा है इधर को। तो अभी जो है ना, हम लोहागंज टॉप पहुंच चुके हैं और इसके बाद लाडू देवता का मंदिर बसता है हमारे लिए 10 से 12 किलोमीटर। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देख रहे हैं भाई, ऐसा मैंने मतलब ना कुमाऊं में कहीं नहीं देखा। जब मैं पिछली बार भी आया था तो इससे भी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखी थी हमने तुंगनाथ जाते वक्त। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो तुंगनाथ का पहला वीडियो था वो उन लोगों ने नहीं देखा, वो देख सकते हैं जाके, ये देखिए। और यहाँ जो है ना पूरा 5 का जंगल वाला एरिया, पहाड़ियाँ देखिए कम से कम नहीं भी हैं तो 3 से 3,500 फीट की ऊँचाई है कम से कम इन पहाड़ों की। ये सामने का मार्केट देख रहे हैं पूरा, ये जो है लोहा जंग है। और हम चले हैं यहाँ से चाय पीने, यहाँ पर थोड़ी थकान हो गई, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अभी जो है ना हम लोहागंज से 1 किलोमीटर आगे निकले हैं और यहाँ से लाडू देवता का टेम्पल है करीबन 15 किलोमीटर, और वहीं से नीचे ना थोड़ा वहाँ जगह है, तो वहाँ मिलेगा हमको रूम ठहरने की व्यवस्था, शायद वहाँ हो जाए, कह रहे थे यहाँ पर लोकल लोग ऐसा। और यहाँ जो है ना अभी ठंड होने शुरू हो गई, अब थोड़ा ठंड लग रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है बहुत तगड़ा। ये देखिए ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ, ये देखिए बहुत एकदम बारिश के, देखिए ये बूंदें भी आने लग गई। अब पहाड़ियाँ देख रहे हो भयंकर कितनी डेंजरस है भाई, मतलब पहली बार तो जो आदमी राइड करेगा ना यहाँ पे भाई वो डरेगा तो सही जरूर, एक बार मन में तो डर पक्का आएगा। ये देखिए कितनी भयंकर जंगल है भाई, हाथ पाँव तो ऐसे हो गए ना, मतलब दर्द से पूछिए मत।